नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स था वो खत्म हो चुका है। अब हम धीरे धीरे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो बेसिक जो कंपोनेंट अभी तक हमने पढ़े हैं उनके यूज करके जो प्रोजेक्ट बनेंगे वो प्रोजेक्ट हम अब बनाना शुरू करेंगे, ताकि क्या होगा, हमें सर्किट बनाने का अनुभव होगा, सर्किट कैसे बनता है इसके बारे में पता चलेगा। तो बाद में जब हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाएंगे, डिजिटल सर्किट, तो उसमें क्या हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में हम इसी तरह का एक सर्किट लेके आए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का अगला वीडियो लेके आऊं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, आगे जितने भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, उन सबको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो सप्लाई होने के लिए हम बार बार अलग अलग सप्लाई तो नहीं लाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज रेगुलेटर बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, हमें 1 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक की सप्लाई हम अपने इच्छा अनुसार निकाल सकते हैं, जिससे जो भी हम प्रोजेक्ट वगैरह जो भी बनाएंगे उसको हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि रेगुलेटर है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी की जरूरत है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी जिसका नंबर है LM317। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए इस आईसी के लिए एक हीट सिंक, क्योंकि ये आईसी क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो ये हीट सिंक होता है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और इस आईसी को खराब होने से बचाएगा हमें। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए एक पोटेंशियोमीटर, ठीक है, जिसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये मैंने लिया है 10K का। उसके बाद हमें चाहिए 2 टर्मिनल ब्लॉक, ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू मैं यहां ले रहा हूं 330 ओम, 330 ओम का रेजिस्टेंस है। हम एक ऑन ऑफ स्विच लेंगे, ठीक है, एक 2 कैपेसिटर लेंगे हम, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ठीक है, एक की वैल्यू है यहां पर ले रहा हूं मैं 4700 माइक्रोफेरेड, आप देख पा रहे होंगे 4700 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट, और दूसरा ले रहा हूं मैं 100 माइक्रोफेरेड और 50 वोल्ट, ठीक है, और ले रहा हूं मैं कुछ 4 रेक्टिफायर डायोड ये वाले, ठीक है, आप यहां 4007 भी ले सकते हैं, मेरे पास ये वाले अवेलेबल थे इसलिए मैं ये वाले ले रहा हूं। और हमें एक सिंपल कैपेसिटर चाहिए जिसकी वैल्यू है 0.1 माइक्रोफेरेड, यहाँ 104 नंबर का कैपेसिटर चाहिए। अब इन सबको असेंबल करने के लिए हमें एक पीसीबी की आवश्यकता होगी, तो हम ले रहे हैं यहाँ 0 पीसीबी, कई लोग इसे 0 पीसीबी बोलते हैं, कई लोग इसे जनरल पर्पज पीसीबी बोलते हैं, कई लोग इसे ब्लैंक पीसीबी भी बोलते हैं, तो जो भी है हमें एक ये पीसीबी चाहिए। उसके साथ ही एक सप्लाई सोर्स चाहिए, सप्लाई सोर्स के लिए मैं यहाँ ले रहा हूँ एक ट्रांसफार्मर जिसकी वैल्यू है 909, जिससे कि हमें ये 9 इन दोनों पे लगाएंगे तो 9 मिलेगा, ठीक है, ये 9 है, ये 0 है, ये 9 है, अगर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हमें 18 वोल्ट मिल जाएगा, तो हमारा जो रेगुलेटर होगा वो 1 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक सप्लाई आउटपुट करेगा। हालांकि ट्रांसफार्मर छोटा है तो इसका एम्पियर लगभग मेरे हिसाब से 500 मिली एम्पियर का होना चाहिए। इन सबको असेंबल करके रखने के लिए हमने लिया है एक कैबिनेट, ये दोस्तों एक वो लेजर होता है जो डेकोरेशन में काम आता है, वो खराब हो गया था तो मैंने उसका सारा तामझाम निकाल दिया है, इसी को हम कैबिनेट बना देंगे, ताकि हम जो सारे जितने भी हमारे कंपोनेंट है सब एक जगह व्यवस्थित रहे और देखने में भी अच्छा लगे। ये सब हो गया, अब हम शुरू करेंगे सर्किट को। तो इस जो ये जो सर्किट बनाएंगे इसमें हमारे पास 3 स्टेप होंगे जो आप भी देख रहे हैं। पहला, इसका जो ब्लॉक डायग्राम है ये तो है रेक्टिफायर,
जो क्या करेगा, एसी को डीसी में बदलेगा। फिर ये नेक्स्ट देख रहे हैं, ये है रेगुलेटर। यहाँ पर हमारी एक रेगुलेटर आईसी लगी हुई है जो इसको सप्लाई को रेगुलेट करेगा, वन वोल्टेज से लेकर 18 वोल्टेज तक। और तीसरा हमारा ये सेक्शन है, ये आउटपुट सेक्शन है। ठीक है, तीन सेक्शन में हमारा ये बनेगा। तो हम जीरो पीसीबी को पीसीबी होल्डर में लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं। जीरो पीसीबी को हमने पीसीबी होल्डर में लगा दिया, मैं इसको थोड़ा फोकस में ले आता हूं। अब जो हमारा जिस तरह से हम सर्किट असेंबल करेंगे, अभी आप यहां जो देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हम इस सर्किट को असेंबल करेंगे। ये आईसी 317 जो आप देख रहे हैं, LM317, ठीक है, इसका ये एक नंबर पिन है, ये दो नंबर पिन है और ये तीन नंबर पिन है। जो इसका पिन नंबर तीन है वो तो है इनपुट, ठीक है, तो इसको हम लगाएंगे। तो पहले मैं इसको यहां लगा लेते हैं। दोस्तों पीसीबी बिल्कुल कॉम्पैक्ट बनाना, बिल्कुल साफ सुथरा बनाना चाहिए हमें, तो मैंने इसको यहां पर लगा दिया। ये हमारा तीन नंबर पिन है, ये दो नंबर, ये एक नंबर, इसको हम थोड़ा पीछे लगा लेते हैं। अब हम लगाते हैं इसके पिन नंबर तीन से एक कैपेसिटर, सिंपल कैपेसिटर जो है, जो आप अभी इस सर्किट में देख पा रहे होंगे, ये वाला, ठीक है। कहां से लगाएंगे? पिन नंबर तीन। तो पिन नंबर तीन कौन सा है इसका? पिन नंबर तीन है ये वाला, ठीक है, ये वाला पिन नंबर तीन है। तो यहां से हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, इसको निकाल ही लेता हूं अभी। कैपेसिटर लगा दिया, ओके। अब हमें बनाना है ब्रिज रेक्टिफायर, तो उसके लिए मैंने डायोड लिया है चार। तो दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर मैंने बना लिया है। ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनता है ये मैं आपको बता चुका हूँ पुराने वीडियो में, आप मेरा डायोड वाला वीडियो देखिए, वहां पर प्लेलिस्ट देखिए, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर ये ब्रिज रेक्टिफायर का वीडियो मिल जाएगा। अब यहां से पॉजिटिव आउट होगा, यहां से नेगेटिव आउट होगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ये इसका नेगेटिव होता है, ये इधर का पॉजिटिव होता है, तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव में। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर है ये मेन फिल्टरेशन का काम करेगा, ठीक है, डीसी, शुद्ध डीसी हमारे सर्किट को पहुंचाएगा, किसी प्रकार की कोई अशुद्धि होगी सप्लाई में तो उसको ये फिल्टर करने का काम करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रेक्टिफायर सेक्शन। उसके बाद हम यहाँ पर एक टर्मिनल ब्लॉक लगा देते हैं जिसमें हम वायर लगाएंगे, इस तरह से टर्मिनल ब्लॉक लगा दिया, ओके। ये हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब हमें पिन नंबर दो से लेकर, जो आप सर्किट में देख पा रहे हैं, दो से लेकर पिन नंबर एक तक, ठीक है, ये दो है ये एक है, एक रेजिस्टेंस लगाना है, कितने वैल्यू का, 330 ओम का। तो ये मेरे पास 330 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर लगा दूंगा इस साइड में। अभी मैंने सोल्डरिंग नहीं किया है, सोल्डरिंग हम फाइनली एक साथ करेंगे। तो यहां से यहां मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब हमें एक प्रीसेट लगाना है जिससे क्या करेंगे, हम वोल्टेज को कम ज्यादा करेंगे। तो प्रीसेट के लिए हम प्रीसेट को चूंकि बॉडी के बाहर लगाएंगे ताकि हम बाहर से ही इसको कम ज्यादा कर सके वोल्टेज को, तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर रेनबो वायर, ठीक है, रेनबो वायर होता है ये, रेनबो वायर का टुकड़ा ले लेंगे, थोड़ा सा मेजरमेंट करके इसमें से हम दो तार निकाल लेते हैं, हमने ब्राउन और ब्लैक ले लिया, ठीक है, थोड़ा लंबा ले लेंगे ताकि छोटा वोटा ना हो। उसके बाद जैसे कि सर्किट में दिख रहा है आपको, इसको एक तो अर्थ होना है और एक पिन नंबर एक से जोड़ना है, तो हम इसको पहले सोल्डरिंग कर लेते हैं, ठीक है, कंपोनेंटों को, ताकि ये बाहर ना भागे।
हमने सोल्डरिंग कर दिया पूरा। अब जो एक्स्ट्रा जो ये निकले हुए हैं वायर, ये वाले इनको हम काट देंगे, ताकि क्या एक एक ये रह गया कैपेसिटर का, इसको भी कर देते हैं सोल्डर, ताकि क्या है कंपोनेंट निकल के ना जाए बाहर। अब जो ये एक्स्ट्रा वायर है इनको हम काट देंगे। हम इनका ट्रैक बना देंगे। कनेक्शन जैसा सर्किट में दिख रहा है ऐसे कैसे ही हम इनको कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों जैसा सर्किट में दिख रहा है वैसा के वैसा ही हमने यहाँ पर सारा कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, ये ब्रिज रेक्टिफायर, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव को सीधा हमने जैसा कि यहाँ दिख रहा है पिन नंबर 3 पे दे दिया, इसके LM317 के। ठीक है, पिन नंबर जो 1 है, 1 से ये वाला रेजिस्टेंस 2 से कनेक्ट कर दिया, 1 से 2 के बीच में। अब हमें सिर्फ प्रीसेट लगाना है और एक आउटपुट पे 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर और लगाना है। तो प्रीसेट हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ कैसे दिख रहा है, एक तो टर्मिनल ग्राउंड पर है और एक पिन नंबर 1 पर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तार लेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रीसेट वॉल्यूम कंट्रोल है, जिसे हम पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। तो इनके कोई भी दो पिन को हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे और पहले इसको हम लगा लेते हैं। एक को तो लगाएंगे हम ग्राउंड में। ठीक है, तो ग्राउंड कहाँ है हमारा, इसको उल्टा कर लेते हैं। ये तो है हमारा ग्राउंड। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लगा देते हैं। यह हमारा हो गया है, यहाँ पर हम प्रीसेट लगाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर प्रीसेट कर रहे हैं। कोई से भी दो पिन का यूज करेंगे हम, एक तो मिडिल वाला और एक कोई से भी, दोनों साइड में से किसी भी साइड का पिन हम ले सकते हैं। ठीक है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों ये हमारा सर्किट लगभग लगभग कंप्लीट है। अब हमें आउटपुट लेना है। ठीक है, आउटपुट लेना है और एक आउटपुट कैपेसिटर भी लगाना है। तो हमने यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लिया है 100 माइक्रोफेरेड 15 वोल्टेज का लिया है। ठीक है, ये जो पिन है इसका, ठीक है, ये वाला, इससे ये आउटपुट निकालेगा पिन नंबर दो। ठीक है, पिन नंबर दो कौन सा है इसमें, मिडिल वाला पिन नंबर 2 इसका आउटपुट पिन है। तो पिन नंबर 2 से ही आउटपुट निकालेगा। तो हम यहाँ पर जो आउटपुट पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ। एक मिनट, ये जो कैपेसिटर आप लगाए बिल्कुल सर्किट में जैसा है वैसा ही आपको काम करना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है इसमें, नहीं तो हमारा सर्किट काम भी नहीं करेगा और खराब भी हो सकता है।
ठीक है, अब इनको भी हम ट्रैक के सहायता से जोड़ देते हैं। तो दोस्तों हमारा ये सर्किट लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पर एक टर्मिनल ब्लॉक यहाँ पर लगा दिया है, यह हमारा इनपुट है, सॉरी आउटपुट है, यह हमारा इनपुट है, इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, और यह हमारा प्रीसेट जिससे हम वोल्टेज को कम ज़्यादा करेंगे। अब हम इसको चेक करेंगे। अभी हमें इस पर हीट सिंक भी लगाना है, इस पर इस आईसी पे, क्योंकि ये हीट होता है। तो अभी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको लगा देंगे हीट सिंक को। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो ट्रांसफार्मर हमने लिया था इसके कनेक्शन कर देता हूँ। मैं एक बार कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, सप्लाई दे दिया है हमने, यहाँ एसी सप्लाई दे दिया है, ठीक है। मैंने मल्टीमीटर के एक पिन को डायरेक्ट आउटपुट में जोड़ दिया है, ये आई थिंक ब्लैक वाला है, ये लगाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ मल्टीमीटर में 26 वोल्टेज दिखा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम इस प्रीसेट को घुमाएंगे वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहेगा, ये 7 वोल्टेज, 9 वोल्टेज, 12 वोल्टेज, फिर 14 वोल्टेज, 23 वोल्टेज, और कम करेंगे 1.4 वोल्टेज, यानी जो जितने हमें ज़रूरत है उतने ही हम वोल्टेज यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। अब बस करना ये है, हमें इसको इसमें असेंबल करना है बॉडी में। तो मैं असेंबल कर लेता हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखा देता हूँ। हमारा फाइनल प्रोडक्ट, मैंने सारा जो कंपोनेंट है सबको इस कैबिनेट का अंदर रख दिया है, लगा दिया है। आउटपुट के लिए मैंने दो क्रोकोडाइल पिन ले लिया है, इसमें रेड वाला पॉजिटिव नेगेटिव, और इनपुट के लिए हमारे पास हमने प्लग लगा दिया है। फिलहाल मेरे पास यही वाला अवेलेबल था, इसलिए यही वाला लगाया। चलिए इसको एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। हमने मल्टीमीटर को भी कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं ऑन, क्योंकि ये डीसी है, तो डीसी वोल्टेज पर हम इसको ऑन करेंगे। देखो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ता हुआ, ठीक है। जैसे जैसे हम इसको कम ज़्यादा कराएंगे, देखो 19 वोल्ट, 14 वोल्ट, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, ठीक है। हम इसको घुमा के इसको मैक्सिमम हम इसमें से 26 वोल्टेज ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है दोस्तों पावर सप्लाई का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।